एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिल एवं भारत सरकार के पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में प्रवेश प्रारंभ है। कोर्स को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां भी कर ली गई है। कोर्स में प्रवेश के लिए सीटें सीमित है। पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों को 100% पूरा कर रहे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स में प्रवेश आरंभ है। छत्तीसगढ़ शासन के पैरामेडिकल काउंसिलिंग एवं भारत सरकार के पैरामेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान एसआर हॉस्पिटल चिखली में एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में 12वीं बायो संकाय से उत्तीर्ण युवक युवतियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश लिए युवक युवतियों के लिए लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस सुविधा, कंप्यूटर लैब आदि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होगी, साथ ही सरकारी नौकरी में मान्यता प्राप्त कोर्स होगा। 180 बिस्तरों से युक्त एसआर हॉस्पिटल चिखली में पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के लिए शासन द्वारा निर्धारित समस्त मापदंडों को पूरा किया गया है। प्रवेश लिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। समस्त कोर्सेज के लिए सीमित सीटें हैं। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी और वरिष्ठ डॉक्टर एसपी केशरवानी ने पैरा मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली धमदा रोड दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए, समस्त विद्यार्थियों के लिए एवं उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष सौगात लेकर एसआर हॉस्पिटल आया है। एसआर हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त जो कोर्सेस हैं वह प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एवं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के कोर्सेस हैं। दुर्ग संभाग में ऐसा हॉस्पिटल ही एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें सर्वाधिक पैरामेडिकल कोर्सेस की सीटें हैं। ऐसा हॉस्पिटल सभी नॉर्म्स को पूरा करता है और हमारे पैरामेडिकल कोर्सेस है वो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दिए गए हैं। और मैं क्षेत्र की जनता से, समस्त विद्यार्थियों से, समस्त अभिभावकों से, क्षेत्र के समस्त पार्षदों से एवं सरपंच से, सचिव से, जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को, मित्रों के बच्चों को जो है वो रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करिए। ऐसा हॉस्पिटल में रिसर्च सेंटर चिखली में जो कोर्स चालू हो रहा है यह छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त कोर्स है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जो है उस कोर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एकमात्र यह ऐसा कोर्स है जिसका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ओटी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जो भी सरकारी विभाग में टेक्नीशियन कोर्स के लिए नौकरियाँ निकलेंगी, जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी जो है पैरामेडिकल कोर्सेज जो पास किए होंगे उन सभी को सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन भरने के लिए पात्रता प्रदान होगी। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा, आपने, हम सभी ने जो है एक ऐसा पैंडेमिक दौर देखा है, चाहे वह डेंगू का कार्यकाल हो और चाहे वह वैश्विक महामारी जो है कोविड हो, इसमें सबसे जो ज़्यादा सेवाएं हैं समाज में स्वास्थ्य विभाग ने दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऐसे वॉलेंटियर्स भी थे, पत्रकार बंधु भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, नर्सेस हो गए, ये डायरेक्ट पेशेंट से टच में थे, तो उन्हें मानव जाति की सेवा का सम्मान ऐसा अवसर मिला जिससे उन्हें समाज में बहुत ही सम्मान मिला। यह जो कोर्स है यह कोर्स सम्मानित कोर्स है, समाज में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का विशेष सम्मान किया जाता है और यह एसआर हॉस्पिटल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एसआर हॉस्पिटल में पैरामेडिकल कोर्सेज चालू हुए हैं।
क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सदैव आप लोगों का सहयोग मिलता है और पैरामेडिकल कोर्सेस में सभी बच्चों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मैं विनम्र अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ, या वीडियो पहुँचाएँ, या समाचार पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और बच्चों का भविष्य बन सके। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं डॉक्टर SPK सरवानी, SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग की ओर से क्षेत्र की युवक युवतियों को यह जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूँ कि जो युवक युवतियाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो उस चीज़ के लिए हमारे हॉस्पिटल में यह एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, एक सुनहरा अवसर है जिसमें कि विभिन्न विषयों पर हम पैरामेडिकल कोर्स के लिए हमें मान्यता प्राप्त हुई है। जो विभिन्न विषय है वो एक्सरे टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स। यह कोर्स की अवधि जो है एक साल की रहेगी, जिसमें कि हम एक साल तक प्रशिक्षण देंगे और अध्ययन कराएंगे, और इसके लिए जो मिनिमम जो योग्यता है वो बायोलॉजी विषय में 12th उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण कोर्स के दौरान हम बॉयज़ एवं गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, साथ में मेज की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। यह जो कोर्स है वो हमारे 180 बिस्तर के जो सुपर स्पेशलिटी एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ प्रदान की जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अतः मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि वह अधिक से अधिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएँ एवं बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित। बहरहाल, चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देने के इच्छुक 12वीं पास बायो संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी इस सुनहरे अवसर का लाभ प्राप्त कर चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए समस्त विद्यार्थियों की सुविधाओं के मद्देनज़र अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।